हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों, आज का नया वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम मौजूद है अयोध्या में, जो मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ती है, और यहीं पे है श्री राम जन्मभूमि। उसी को देखने के लिए हम आए हुए हैं। उसके बाहर का गुंबद ये सब देख सकते हैं, और इधर जाने का रास्ता देख, श्री राम जन्मभूमि के अंदर जाने के लिए कितना ज़्यादा यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और सबको यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। हम लोग इसी जो रास्ते है, इसी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि की तरफ जाते हैं, और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे श्री राम जन्मभूमि किस प्रकार से दिखाई देती है। वैसे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरा श्री राम भूमि जन्मभूमि आज आप लोगों को दिखाएंगे, और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ यहाँ पर मौजूद है वो सबसे भी आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिसर बनाया गया है, इसके अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहीं से देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे सभी दोस्त लोग हैं, वो लोग भी चल रहे हैं हम लोग के साथ में श्री राम जन्मभूमि देखने के लिए। इधर देख सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मंदिर सा बनाया गया है, और नया पर एक जो श्री राम जन्मभूमि पे एक मंदिर बनी हुई है वो सब दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और सारा आज श्री राम जन्मभूमि से आप लोगों को अवगत कराएंगे जो क्या यहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम और नौशाद और उसके बाद मुकेश भाई, अप्पू भाई, सब कोई चल रहा है श्री राम जन्मभूमि के अंदर देखने के लिए। और इधर देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। सब कोई अंदर चलेंगे और देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से दिखाई देता है श्री राम मंदिर, जो काफ़ी विवादों में रहा है और काफ़ी दिनों के बाद जाकर यह मंदिर तैयार हुआ है, और बहुत ही बढ़िया तीर्थ स्थान बना हुआ है। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ट्रैवल करके यहाँ पर देखने के लिए। तो हम लोग भी आज आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यही तरीके का बॉल बत्ती सब लगाया गया है, जो सुनने को मिला था जो चोरी हो गया है, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। और इधर देख सकते हैं कितना लोग लाइन में लगे हुए हैं, लंबी कतारें हैं, और सब कोई इसी कतारबद्ध होके आगे बढ़ रहे हैं। हम भी चल रहे हैं आगे, और आगे चल कर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहीं लंबी कतारें लगी हुई है, और इधर चारों तरफ से बाउंड्री कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पे बॉल बत्ती सब लगाया गया है, और जो लोग दर्शन कर लिए इधर से निकल रहे हैं। इतना तेजी से दोस्तों यहाँ का काम हुआ है, कुछ बताया नहीं जा सकता। Due to only reason that is election. Only election की वजह से सारा काम को तेजी में किया गया था, बट बीजेपी को यहाँ से बहुत ज्यादा झटका लगा। यहाँ से अपना सीट भी ना बचा पाए, फैजाबाद वाला सीट जो था वो सपा के खाते में गया। तो यही सब है, इतना विकास देख रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी यहाँ से अगर बीजेपी नहीं जीत रही है तो पता ना लोग क्या सोच रहे होंगे। हालांकि कुछ भूमि अधिग्रहण ही सब हुआ था, इस वजह से लोग गुस्सा में थे। तो चलिए अब वो सब बात हटाइए, श्री राम जन्मभूमि आप लोगों को दिखाते हैं, राम जी का मंदिर दिखाते हैं। यहाँ पे गुंबद ये सब देख रहे हैं वो शायद उसी मंदिर का कुछ पार्ट है, हम आगे चलकर और दिखाते हैं। दोस्तों, अब जब आप लोग आइएगा अयोध्या धाम जंक्शन पे, वहाँ से महज 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है श्री राम मंदिर, और यहाँ पर हम लोग भी वहीं से आ रहे हैं। जैसे हम लोग को BEDC में एडमिशन करवाना था, एडमिशन करवाने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं, बट आप लोग जब आइएगा तो श्री राम जन्मभूमि पे आने में आप लोगों को वहीं 2 किलोमीटर का टाइम लगे, 2 किलोमीटर है लगभग, 10 या 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए आज आप लोगों को लाइव दिखाते हैं जी किस प्रकार से श्री राम मंदिर है, और सारा चीज़ से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी का कितना प्रबंध किया गया है, हर जगह पे यहाँ पर बैग उग रखने वाला व्यवस्था है, बैग रखकर इसमें चेक किया जा रहा है पहले उसमें कुछ गलत पदार्थ होना है। यहाँ पर CCTV कैमरा वैमरा सब लगा है, इधर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। अभी ये पूरा काम प्रोसेस में ही है, आगे देख सकते हैं किस प्रकार कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग अपना बैग रख दिया था उधर, और बैग इधर से आ रही है, हम लोग इधर बैग आ चुका है, पता ना कहाँ गया बैग।
बैठ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं श्री राम मंदिर में घूमने के लिए। नगर निगम वाले तो ये देख सकते हैं कितना मतलब दूर में फैला हुआ है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और एक कंस्ट्रक्शन का काम अभी जारी है दोस्तों। आगे वाला जो मंदिर का मंडप ही सब है वो सब नहीं बना हुआ है, वो सब का काम अभी चल रहा है। और इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं कितना बाथरूम लगाया गया, लाइन से एकदम बाथरूम है। टॉयलेट ही सबका व्यवस्था है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जूता चप्पल ये सब जमा करने का जगह है। इसमें जूता चप्पल अपना डालिए और एक जगह पे रख दीजिए। और इधर देख सकते हैं यही श्री राम मंदिर, जो पूरा अभी काम इसका चल ही रहा है, बट उसी में मंदिर ये सब चालू हो गया है। मंदिर में दर्शन ये सब किया जा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग आ रहे हैं देखने के लिए। इधर जूता चप्पल वाला जगह उसी, उधर बाथरूम ये सब बहुत ज़्यादा बनाया गया है। तो हम लोग भी चलेंगे मंदिर के अंदर और आप लोगों को वहाँ से दिखाएंगे जो कैसा कैसा है। तो यही सब है। तो दोस्तों हम लोग राम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और पूरा कैंपस ही सब देख सकते हैं कितना दूर में फैला हुआ है। चारों तरफ मतलब श्रद्धालु जो लोग होते हैं वो लोग घूमने के लिए आए हुए हैं और बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और राम मंदिर के अंदर दोस्तों फ़ोन और जो भी कीमती सामान ये सब है वो सब अलाउ ना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउ नहीं है, तो हम लोग भी नहीं ले जा सकते हैं। और इधर देख सकते हैं राम मंदिर का बिल्डिंग कितना सही तरीके से बनाया गया है और चारों तरफ इसका बहुत बड़ा बड़ा मंडप ही सब बनाया गया है, गुंबद ही सब है, काफ़ी बेहतर लग रहा है दोस्तों। और चारों तरफ देख रहे होंगे जितना दूर में फैला हुआ है ये सारा राम मंदिर का परिसर है और राम मंदिर का पूरा बिल्डिंग है। हम लोग अंदर जाते हैं और देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से है, और बाहर आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे जो क्या क्या चीज़ अंदर में था। बट कैंपस में ही बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है और बैग ये सब है, और उसके अलावा जितने भी जूता चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये सब है, स्मार्ट वॉच ये सब है, ये सबको बाहर ही जमा करना पड़ रहा है दोस्तों। तो मंदिर सिर्फ यहीं है और उधर गुंबद ये सब देख रहे हैं, उधर दिखाई दे रहा होगा वो सब मंदिर का ही कुछ पार्ट है, और इधर भी पूरा मंदिर का ही परिसर है और पार्ट है दोस्तों। अभी ये पूरा फेज में बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी भी आगे काम जारी है। यहाँ पे देख रहे होंगे आगे का काम अभी जारी है, उधर पूरा बांस उस लगल है, उसके अलावा इधर भी काम अभी चल ही रहा है। तो दोस्तों अगर देखते हैं जो अगर अंदर जाने वाला होगा तो जाकर दिखाते हैं, बट संभावना कम है क्योंकि सब कोई मना कर रहा है। वहाँ पे जितने भी स्टाफ लोग हैं वो सब बोल रहे हैं कि इधर ही फ़ोन रख देना है, और यही सब है। चलते हैं हम अंदर और अंदर से देख कर आते हैं और आप लोगों को बताएंगे जो क्या क्या चीज़ है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, आते हैं फिर बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं। और मेरे दोस्त लोग हैं, ये लोग भी आए हुए हैं श्री राम मंदिर को देखने के लिए, नौसाद हुए और उसके अलावा अपू भाई हुए और यहाँ पे मुकेश भाई हुए। तो सब कोई अंदर जाते हैं और देख कर आते हैं तो आपको बताएंगे जो क्या क्या चीज़ अंदर में था। और पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं जो पूरा राम मंदिर का बिल्डिंग है, तो यही सब है। और इधर लोगों का भीड़ देख रहे होंगे किस प्रकार से सैलाब उमड़ रहा है देखने के लिए। यूपी के लिए काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों जो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब ऐसा ही मंदिर हम लोग चाहते हैं जो बिहार में बने, सीतामढ़ी में, जो माता जानकी का जन्मस्थली है। और राम मंदिर और सीता जानकी मंदिर जो है वो सब काफ़ी फेमस हो बाद में चलकर, और यहाँ से वहाँ तक के लिए यातायात की सुविधाएं भी विकसित। तो यही सब है, चलते हैं अंदर और देखने का प्रयास करते हैं, फिर आकर आप लोगों को बताते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग इसी के परिसर में घूम रहे हैं और इधर जूता चप्पल सब जमा कर दिए, अब चल रहे हैं लॉकर में अपना बैग वैग सब और कीमती सामान सब जो है उसे जमा कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर राम मंदिर में जाएंगे और पूरा दर्शन वर्शन किया जाएगा। और इधर से थोड़ा धूप भी है बट अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है दोस्तों। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, नेपाल से भी आए हुए हैं और अदर कंट्री से भी आए हुए हैं, और हम लोग बिहार से आए हुए हैं यानी श्री राम के ससुराड़ी से आए हुए हैं यहाँ पे। तो चलते हैं आप लोगों को पूरा मंदिर दिखाते हैं। हालांकि लॉकर ही सब देख सकते हैं जहाँ पर बैग वैग सब जमा करने का व्यवस्था है, इधर चलते हैं हम लोग कहीं पर अपना जमा। तो ये मंदिर के अंदर का कुछ सीन ही सब देख सकते हैं जहाँ पर लॉकर का व्यवस्था किया गया है, बट अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाएगा, तो यही सब है। लॉकर में हम लोग जाकर सामान जमा करते हैं, सब देख सकते हैं लॉकर, देख सकते हैं किस प्रकार से लॉकर बनाया गया है। इसमें बैग वैग सामान वामान सब जमा करने वाला है, फोन वोन सब जमा कर सकते हैं। इधर देख सकते हैं लोग जमा करने के लिए लाइन, सब कोई हम लोग अपना अपना फोन और जो भी चीज़ है कीमती सामान, जैसे स्मार्ट वॉच रखे हुए था और मुकेश भाई ये अपना हार रखे हुए थे, सब जमा करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा दिखा गया है क्या क्या चीज़ लेके जाना है, क्या क्या चीज़ नहीं लेके जाना है। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रही है दोस्तों कि फोन हम लोग अंदर नहीं ले जाएंगे ताकि आप लोगों को दिखा पाते, बट बाहर का पूरा चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। आते हैं मंदिर के अंदर से। तो दोस्तों हम लोग राम मंदिर के अंदर से आ चुके हैं, सब कोई घूम फिर के अपना अपना बैग और
जो भी मोबाइल फोन ही सब था वो सब कलेक्ट कर लिए हैं। अब उधर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं राम मंदिर में क्या क्या देखे हम लोग। उधर फोन ही सब अलाउ नहीं था, बहुत सारे भाई लोग आए हुए हैं देखने के लिए, देख सकते हैं। इधर सब कोई कतारबद्ध होकर अपना अपना सामान ले रहा है और हम उधर चल कर आप लोगों को पूरा विशेषता बताते हैं राम मंदिर के अंदर का क्या क्या चीज़ बना है, क्या क्या चीज़ नहीं बना है। और आप लोग भी आइएगा तो और सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए, चलते हैं राम मंदिर के कैंपस में और वहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को सारा चीज़, बताते भी हैं। तो दोस्तों सब कोई घूम लिया मंदिर में, कैसा कैसा लगा सब लोगों को, सब कोई अपना अपना राय विचार देने का प्रयास करेंगे। नौशाद सबसे पहले बताओ कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा लगा यार, अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हुआ। बाकी सब ठीक था, मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी बन रहा है, 2025 तक मंदिर बन जाएगा। बाकी मंदिर का पूरा कैंपस है वही 20 तक बनने का उम्मीद है। आगे बस कैसा रहा अंदर, किस प्रकार से मंदिर सब बना उसके बारे में कुछ बताओगे? सब बढ़िया था, अच्छा था, फीलिंग अच्छा रहा तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया लगा था। मुकेश भाई कुछ बताइए था मंदिर के बारे में, कैसा लगा? मंदिर बहुत अच्छा लगा हमें, आवाज़ करना जो पूरा ठीक, काफ़ी बढ़िया मंदिर लगा है। मुकेश भाई कुछ बोलना चाहेंगे? मंदिर बहुत अच्छा लगा है हमें और भीतर मुझे मोबाइल वोबाइल फोन सब निकाल कर रखवा दिया गया, भीतर बहुत बड़ी एक राज है जो मतलब आने के बाद पता चलेगा, एक बहुत बड़ा मुकेश भाई बोल रहे हैं जो इसके अंदर मंदिर के अंदर जाने के बाद में आप लोगों को काफ़ी बड़ा एक मतलब सरप्राइज पैकेज देखने को मिलेगा। वो सरप्राइज ख़त्म ना हो इस वजह से फ़ोन उन अलाउ नहीं किया गया है। पर्यटक जो विदेशी लोग होते हैं वो लोग ये सब देख लेंगे तो वहाँ भी अपने यहाँ भी बनवा लेंगे, इस वजह से ये सब छिपाया गया है। आप लोग जब आइएगा राम मंदिर में तो देखने को मिलेगा सारा चीज़। और हम लोग घूम लिए हैं, नौशाद ही सब है, मुकेश भाई और दो तीन वो पार्टनर है, वो लोग पता ना कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो यही सब था, काफ़ी बेहतर लगा मंदिर। मंदिर के अंदर जाइएगा दोस्तों तो सबसे पहले तो आप लोगों को वहाँ पर मंदिर का पूरा परिसर कैंपस ही सब दिखाई देगा, उसके बाद में उसका बिल्डिंग काफ़ी बेहतर बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। ये जो मैं दिखा रहा था दोस्तों ये बिल्डिंग उसका नहीं है, मंदिर यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर चल के जाना पड़ रहा है। और वहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा प्रबंध है, पूरा जैसे एग्जाम में चेक किया जाता है उस प्रकार से चेक किया जा रहा है। और उसके बाद में मंदिर के अंदर प्रवेश मिल रहा है, वहाँ पर जाने पर आप लोग हाथी शेर ही सब मतलब एक सीढ़ी के माध्यम से दिखाई देंगे। उसके बाद में मंदिर में जब एंट्री कीजिएगा तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा गुंबद सब है, उसके बाद राम जी का बहुत बड़ा प्रतिमा है एक ब्लैक कलर का वो सब है। और उसके बाद वहाँ पे दान पेटी सब बनाया गया है, वहाँ पे सब कोई अपना अपना जो भी दान करना है दान उन कर रहे हैं। और जब वहाँ से आप लोग देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा सुकून की अनुभूति होगी, बहुत बेहतर फील होगा वहाँ पर। और बाहर निकलने पर आप लोग दान पेटी में ज़रूर कुछ कुछ दान कर दीजिएगा ताकि राम मंदिर में सहयोग हो सके, जैसे सब कोई हम लोग यहाँ पर सहयोग ही सब किए हैं। और उसके बाद में काफ़ी अंदर जाने के बाद काफ़ी बढ़िया फील होगा दोस्तों, वहाँ से जब आप निकलिएगा तो उसके बाद में लगेगा कि क्या सुकून मिला है। और उसके बाद में और सारे चीज़ भी थे वहाँ पे घूमने वाला, फिर बाहर आने पे सब कोई को प्रसाद वितरण किया गया है, प्रसाद वहाँ पे मिल रहा था, सब कोई प्रसाद उत्साह लिए हैं। और बाहर निकलिएगा तो उसके बाद में फिर आप लोगों को मिलेगा वहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा था या घर बनाया जा रहा था, सब कोई अपना अपना ईंटा से वहाँ पे घर जोड़ रहे थे। तो यही सब है, यही सब था इसका पूरा कैंपस उम्पस। और भी सारे भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए तो वो लोग भी देख रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मंदिर का परिसर ही सब वो सब बताइएगा। और हम लोग कभी फिर आएंगे अगर फोन उन्हें अलाउ करेगा तो हम लोग आकर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यही सब था, चलते हैं बाहर, बाहर से आप लोगों को और सारा चीज़ दिखाते हैं और यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे जिस प्रकार से देख रहे हैं जो प्रतिमा आप लोगों को दिखाई दे रही है सेम इसी प्रकार का प्रतिमा मंदिर के अंदर है। मंदिर में फोन ही सब अलाउ नहीं था इस वजह से नहीं दिखा पाए हैं, बट यहाँ देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जो इसी प्रकार का श्री राम भगवान का मूर्ति है और पूरा ब्लैक कलर से है। हर प्रकार के रूप को दिखाया गया, उनके बाल रूप से लेकर सारा चीज़ को दिखाया गया है। और ये बाहर का सीन है दोस्तों, और यहाँ पे एक प्रतिमा बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पे सेल्फी सब ले सकें। तो यही सब है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है, लगभग 50 बीघा से ऊपर ज़्यादा ज़मीन बताया जा सकता है इसको, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ था तब जाके राम मंदिर बना है। तो दोस्तों यही सब है, काफ़ी बेहतर लगा। अब हम लोग उम्मीद करेंगे जो माता जानकी का जो मंदिर है सीतामढ़ी में वो काफ़ी भव्य तरीके से बने और राम मंदिर और सीता मंदिर के बीच में जो यातायात की सुविधा हो उसको काफ़ी ज़्यादा विकसित किया जाए, काफ़ी बड़े बड़े हाईवे ही सब बने ताकि लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीडियो में बने रहिए और बाहर चलते हैं दिखाते हैं। तो दोस्तों पूरा राम मंदिर हम लोग घूम लिए और यहाँ से अपना लॉकर से जूता वूता लेंगे, चप्पल जूता जो भी जमा किए हैं सब कोई वो सब लेंगे। और यहाँ से जो होता है हनुमानगढ़ी सब के लिए जाएंगे, फिर हनुमानगढ़ी में जाकर आप लोगों को दिखाते हैं जो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर कैसा है और जो भी सरयू नदी है वो सब किस प्रकार से है वो सारा चीज़ दिखाएंगे।
और इधर चलते हैं और आप लोगों को जो बचा खुचा चीज़ है वो सब दिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो यही था राम मंदिर, जो पीछे देख रहे थे उसका कुछ परिसर ही सब है, और पूरा जो बड़ा राम मंदिर था वो उधर उस साइड में था, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, वहीं सब है। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। पूरा राम मंदिर ही सब घूम लिए हम लोग, अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के तरफ। और देख सकते हैं यहीं प्रसाद मिला है सभी कोई को, इसमें इलायची दाना होता है जो वही है, इलायची दाना जिसको बोला जाता है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हम लोग एक घर के लिए प्रसाद ले लिए हैं, आप लोग 2-3 गो भी ले सकते हैं, हम लोग भी खाए हैं यहाँ पे, 2-3 गो ले भी लिए हैं घर के लिए। तो यही सब था राम मंदिर में किस प्रकार से लगा वो सब हम आप लोगों को बतावे किए हैं, बट उसमें फ़ोन ही सब अलाउ नहीं था, कुछ चीज़ रहते हैं जो सरप्राइज़ के तौर पर रखा जाता है, वो लोग आइएगा आप लोग तो फिर आकर देखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि अगर जैसे हम लोग घोड़ा सन से अभी तक हम लोगों को 270 रुपया और यहाँ का 20 रुपया यानी 290 रुपया यानी 300 में आकर आप लोग घूम सकते हैं एक साइड से, फिर खाना पीना खाने सब में जितना टाइम जितना रुपया लग जाए वो सब है। तो यही सब था दोस्तों, पूरा राम मंदिर हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, उसके बाहर जो इस प्रकार से बना हुआ है सब सारा चीज़ देख रहा हूँ कि ये सब है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसके बाद में अगर फिर कभी आते हैं आप लोगों के सामने तो फिर से लाकर आप लोगों को राम मंदिर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सभी दोस्त लोग हैं जो राम जी का एक फ़ोटो भी खरीदे हैं लोग, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो यही सब है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर आप लोगों को इस चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग जाते हैं सरजुग नदी की तरफ और जो होता है हनुमान गढ़ी, वहाँ से जाकर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो वो सब किस प्रकार से दिखाई देता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही साथ चंपारण ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम दोस्तों।